देखिए, केनरा बैंक अपनी स्थापना काल से ही हमेशा समाज के जरूरत वर्गों का हमेशा तत्पर रहता आया है। हमारा एक जो प्रॉफिट का एक सर्टन हिस्सा जो है उसको हम अपने पर सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर ही खर्च करते हैं, और उसी के तहत इस महीने में हमने दो स्कूल को आर्थिक सहायता प्रदान की है। यहाँ हमने टॉयलेट ब्लॉक बनवाया है, एक स्कूल में हमने ब्लाइंड स्कूल में बोर्ड्स दिए हैं, और 26 जनवरी को 25 स्कूलों में हमने स्पोर्ट्स किट दिए हैं। स्वस्थ पठन पाठन के लिए स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ वातावरण का होना अत्यावश्यक है, तो ये जो बाथरूम और टॉयलेट ब्लॉक हमने क्रिएट किया है उसी कड़ी की एक है कि हम स्कूल के बच्चों को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेंगे जिससे इनका अपने पढ़ाई पे इनका फोकस और ज़्यादा बढ़े। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए, हम मौजूद हैं सरकारी स्कूल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि सरकारी स्कूल, लोग तमाम बातें बनाते हैं सरकारी स्कूल को लेकर, कमियां निकालते हैं, लेकिन उन कमियों को पूरी करने की बात आती है तो लोग अपने कदम पीछे कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं केनरा बैंक के महाप्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा जी, इनसे हमने पहले भी बातचीत की है और इस बार भी ये हमें यहीं मिल गए। क्या कहिएगा आप, इसके पहले भी फंड देते नजर आए थे, इस समय भी फंड देते नजर आ रहे हैं, तो किस हद तक आप मदद करते हैं और क्या मन में रहती है आप? नहीं, देखिए केनरा बैंक अपनी स्थापना काल से ही हमेशा समाज के जरूरत वर्गों का हमेशा तत्पर रहता आया है। हमारा एक जो प्रॉफिट का एक सर्टन हिस्सा जो है उसको हम अपने पर सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर ही खर्च करते हैं, और उसी के तहत इस महीने में हमने दो स्कूल को आर्थिक सहायता प्रदान की है। यहाँ हमने टॉयलेट ब्लॉक बनवाया है, एक स्कूल में हमने ब्लाइंड स्कूल में बोर्ड्स दिए हैं, और 26 जनवरी को 25 स्कूलों में हमने स्पोर्ट्स किट दिए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसी समाज का सही ढंग से अगर उसका विकास करना है तो उसके छात्रों और उनके बच्चों पे फोकस किया जाए, और स्कूल इसका सबसे अच्छा जगह है। तो हमारा कॉरपोरेट CSR के तहत हमारा मैक्सिमम फोकस स्कूल पे रहता है, क्योंकि स्कूल में हम एक ऐसा वातावरण बनाने की में अपना सहयोग प्रदान करें कि वहाँ से काफ़ी होनहार छात्र निकले और आगे चलकर वो देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। मदद की बात करें तो आप आर्थिक रूप से तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहल आपने की है कि बाथरूम बनवाने की, क्योंकि सरकारी स्कूल में लोग कमियाँ तो निकालते हैं, बहुत सारे कमियाँ निकालते हैं, लेकिन उनको पूरी कोई नहीं करता है, लेकिन आपने तीन तीन बाथरूम बनाए जिसमें से लड़कियों को बहुत सुविधा हो जाएगी, तो क्या मन में आया था? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्वस्थ पठन पाठन के लिए स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ वातावरण का होना अत्यावश्यक है, तो ये जो बाथरूम और टॉयलेट ब्लॉक हमने क्रिएट किया है उसी कड़ी की एक है कि हम स्कूल के बच्चों को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेंगे जिससे इनका अपने पढ़ाई पे इनका फोकस और ज़्यादा बढ़े। अच्छा, उस टॉपिक को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि लोग जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं कि सरकारी को नीचे ही मानते हैं, लेकिन उसे पहल कोई नहीं करता है, जैसे कहते ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे भी अच्छे खासे पढ़ते हैं, टीचर्स बड़ी सवाल उठते हैं, लेकिन आपने बाथरूम बनाया, आगे का आपका क्या प्लान है? क्या सरकारी स्कूल के लिए आप करेंगे, प्राइवेट स्कूल में भी आप फंड वगैरह? नहीं नहीं, जनरली हमारी जो मदद होती है वो सरकारी स्कूल और वैसे स्कूल जो किसी संस्था के द्वारा चलते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से सहयोग प्रदान करने की। तो यह और ये मतलब नहीं, हम टाइम टू टाइम हमें जो भी कभी किसी विद्यालय से या किसी ज़रूरतमंद से अगर हमें कोई रिक्वेस्ट आता है हम उसको कंसीडर करते हैं, साथ ही साथ हम स्वतः स्वज्ञान भी लेते हैं। अगर हमारे नोटिस में विद्यालय ने अनुरोध किया या नहीं किया, लेकिन हमारे स्कूल में नोटिस में ये बात आती है कि इस विद्यालय में इस चीज़ की कमी है, इस ज़रूरत को कमी है, तो हम आगे बढ़ के केनरा बैंक आगे बढ़ के उसको कोशिश करता है पूरा करने के लिए। और आगे क्या पहले क्या मन में और कुछ है कि आप स्कूल्स में तो नज़र, इसके पहले भी दिव्यांग बच्चों के स्कूल में आप नज़र आए थे, वहाँ भी आपने क्रिकेट सेट दिया था, सारे स्पोर्ट्स के सामान दिए थे, यहाँ पर आपने बाथरूम बनाने का कार्य किया, तो इसके आगे आपकी क्या पहल है? नहीं नहीं, हमारा वो था ना, वो जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी एक स्कूल में इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत होती है, हम अपने बजट के हिसाब से उसमें जो भी मदद कर सकते हैं हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे आपने भी आज सुना होगा, हमने विद्यालय के प्रिंसिपल से अनुरोध किया है कि ये टॉयलेट ब्लॉक ही नहीं है, अगर आगे भी भविष्य में बच्चों के पठन पाठन के लिए किसी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो केनरा बैंक हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जो शुरुआत में हमने सवाल किया था आपसे कि बाथरूम बनाने का सोच हर किसी के मन में रहता है कि सरकारी स्कूल में सबसे
कम कमियां अगर दिखती है तो बाथरूम सबसे पहले नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि तीन तीन बाथरूम आपने बनाया है उसका आप पर क्या असर पड़ेगा, और बच्चों पर, जहां तक लड़कियों जिनको दिक्कत होती थी बहुत पहले भी हम देख चुके हैं सरकारी स्कूल में, तो अब क्या लगता है कि आगे चलकर आप किस नजरिए से इसको देखेंगे, क्या लोगों को पहल करनी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक बने, तो उनके लिए हमको उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, और ये टॉयलेट निर्माण उसी दिशा में कड़ी है कि वो उनको, और दूसरी बात है उनको स्वच्छता की शुरू से ही आदत डालेगी। आज के देश में जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ये उसी का एक आप हिस्सा समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों को शुरुआती दिनों से ही स्वच्छता का महत्व समझा पाएंगे इसके थ्रू। अब देख सकते हैं, पहले हमारे पीछे विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं, और सरकारी स्कूल जहाँ पर लेकर लोग निगेटिव थॉट्स रखते हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ होता नहीं है, चाहे टीचर्स की बात करें या फैसिलिटीज़ की बात करें, कुछ भी नहीं, लेकिन पहल करने का जिम्मा कोई भी नहीं उठाता है। और इसी चीज़ में आगे बढ़कर कुछ लोग आते हैं जो फंड को लेकर या फिर कुछ आर्थिक सहायता को लेकर या फिर कुछ ऐसी मदद करते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सुविधा देखने को मिलती है सरकारी स्कूल के बच्चों में। और उसी में से एक पहल आज अरुण कुमार मिश्रा जी, जो कि केनरा बैंक के महाप्रबंधक है, उन्होंने किया कि सरकारी स्कूल में बाथरूम्स बनाने का उन्होंने काम किया, जो कि जिससे लड़कियों को काफ़ी हद तक मेहनत मिल सकती है और सुविधा मिल सकती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी मदन जी के साथ, धन्यवाद।